ये? माँ ये तो पूरे 1,00,000 रुपए है। हाँ मम्मी, ये तो पूरे 1,00,000 रुपए। हाँ मम्मी, पूरे 1,00,000 रुपए है ये तो। तुम तीनों जाओ और जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। क्या, जन्नत की मिट्टी? क्या मम्मी, जन्नत की मिट्टी? हम कहाँ से लेकर आएंगे जन्नत की मिट्टी? ये तुम तीनों का काम है, कहाँ से लेके आओगे जन्नत की मिट्टी? ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। क्या यार, लगता है मम्मी बुढ़ापे में सटिया रही है। हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो भी 1,00,000 रुपए में? लगता है मम्मी को ज्यादा ही विश्वास हो गया हम पे। किस मुंह से हमसे मंगवा रही है जन्नत की मिट्टी? जन्नत की मिट्टी मैं लेकर आऊंगा मम्मी के लिए, जन्नत की मिट्टी, चाहे मुझे कहीं से भी लानी पड़े। ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जन्नत की मिट्टी। ठीक है मम्मी, मैं भी आपके लिए ले आती हूँ जन्नत की मिट्टी। ठीक है माँ, फिर मैं भी चलता हूँ। मम्मी का ना दिमाग खराब हो गया। वैसे इस 1,00,000 रुपए का मैं क्या करूँ? हाँ, विक्की ने फोन खरीदा था, आईफोन, अब वो उसको बेचना है। एक काम करता हूँ, मैं ही ले लेता हूँ 1,00,000 रुपए का आईफोन। हाँ एक काम करती हूँ, मुझे ना डायमंड की रिंग चाहिए थी, वही खरीद लेती हूँ। वैसे भी भाड़ में जाए जन्नत की मिट्टी। अब बोल दिया है ना मैंने मम्मी को, तो जन्नत की मिट्टी मैं लेके आऊंगा। उनको भी लगना चाहिए ना मैं कितना काबिल हूँ। बच्चों, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुम कर आई हो। जन्नत की मिट्टी कहाँ है? शुभम तुम बताओ बेटा, जन्नत की मिट्टी कहाँ है? यार क्या मम्मी, आपने जन्नत की मिट्टी लगा के, जब मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगता था तब तो नहीं देती थी आप, और आज आपने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए, वो भी घटिया सी मिट्टी खरीदने के लिए। मैं उन पैसों को वेस्ट नहीं कर सकता था, मैंने 1,50,000 रुपए का आईफोन 1,00,000 में ले लिया। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनिष्का बेटा तुम बताओ कहाँ है जन्नत की मिट्टी? हाँ मम्मी, शुभम सही तो कह रहा है। वैसे भी आप हमें पैसे देती कहाँ थी, और आज आपने हमें पैसे दिए वो भी इस घटिया सी जन्नत की मिट्टी के लिए। मैं भी वो जन्नत की मिट्टी नहीं लेकर आई हूँ, मैं तो अपने लिए डायमंड की रिंग लेकर आई हूँ जो मुझे चाहिए थी और आगे भी मेरे काम आएगी। मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी। यश बेटा तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में ना तो पैसे हैं ना कुछ और है, क्या तुम लाई हो जन्नत की मिट्टी? मम्मी मैंने ना वो जन्नत की मिट्टी खरीद ली। तो तुम्हें मिल गई जन्नत की मिट्टी? जी मम्मी। भैया कुछ खिला दो। यार कहाँ से खरीद कर लाऊं जन्नत की मिट्टी? मैंने मम्मी को तो बोल दिया है कि जन्नत की मिट्टी ला कर दूंगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लेकर आऊं, क्या करूं। भैया आप जन्नत की मिट्टी ढूंढ रहे हो? हाँ, आपको पता है क्या जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलती है? जन्नत की मिट्टी दुकानों में नहीं होती, जन्नत की मिट्टी माँ बाप के चरणों में होती है। माँ बाप के चरणों में जन्नत की मिट्टी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भैया ये पैसे आप रख लो। क्या भैया, ये सारे पैसे मैं रख लूँ? हाँ, इन पैसों के असली हकदार ना आप हैं। मेरी मम्मी ने ना मुझे जन्नत की मिट्टी लाने के लिए कहा था, और जन्नत की मिट्टी के बारे में तो मुझे आपने बताया ना, तो फिर इन पैसों के असली हकदार ना आप हैं, आप ये रख लो। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, मुझे पैसों की जरूरत थी और मुझे पैसे भी मिल गए। मम्मी मुझसे किसी ने कहा था कि जन्नत की मिट्टी माँ बाप के चरणों में होती है, तो मैं आपके लिए जन्नत की मिट्टी ले आया हूँ। यश मुझे तुम पे पूरा विश्वास था, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो मेरा बेटा यश ही कर सकता है। देखो बेटा, मेरे पास जो धन संपत्ति है, जो भी जायदाद है, वो सब मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो, सारी जायदाद आप इस गवार के नाम कर रही हो? खामोश, एक शब्द भी नहीं। हाँ मम्मी, शुभम सही तो कह रहा है, हम भी तो आपके बच्चे हैं, आप सारी प्रॉपर्टी इसको दे दोगे तो हमें क्या मिलेगी? और तो और, हम दोनों तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो अच्छे से पता है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और प्रॉपर्टी का ध्यान वो कैसे रखा जाता है, लेकिन इस गवार को तो कुछ नहीं आता है। कनिष्का, संतान तुम भी हो
और ये भी है, और एक ये मेरा राजा बेटा। जो काम इसने आज किया है ना, वो तारीफ के काबिल है। और तुम जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे ना, सब बर्बाद करके आ गए। मेरी जायदाद को सिर्फ ये बेटा संभाल सकता है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। मैंने तुम तीनों को एक काम दिया था और तुम दोनों उस काम में फेल हो गए हो। लगता है मम्मी आप ऐसे नहीं मानोगी, मुझे कानून का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। शुम तो सही कह रहा है, वैसे भी आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है। क्या करेगा, अपनी माँ को धमका रहा है। जो तूने करना है ना कर ले, निकल जाए इसी वक्त, गेट आउट। चल कनिष्का, इनको मैं कोर्ट में देख लूं। मम्मी ये आपने क्या किया? कुछ नहीं मेरे बच्चे, तू हमेशा खुश रहे।